Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. आज है हमारे ट्रिप का डे टू और आज हम लोग श्रीनगर से जाने वाले हैं कारगिल की तरफ और हो गया है बहुत ज़्यादा लेट. राइट नाउ आई एम हैविंग माय ब्रेकफास्ट व्हिच इज सैंडविच एंड बटर और यहाँ पर है चाय और द वेदर बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक. पता नहीं कैसा जाएगा पूरा दिन, वी विल सी. बट अभी हम लोगों को जल्दी जल्दी से निकलना है. अभी मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, रास्ते पे चलते चलते सारी बातें होती रहेंगी. तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं. निकलने से पहले यहाँ पर एक्चुअली बहुत अच्छा पिक्चर्स आ रहा है. तो अभी हमारी मम्मी जो है, मतलब इसकी मम्मी जो है, ये लोग अभी तक रेडी नहीं है तो इसलिए थोड़ा टाइम है, 5 मिनट तो होगा. तो इसलिए कोशिश करेंगे कि कुछ पिक्चर्स ले पाए. दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे, लेट मी शो इट. दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग और ये इसने भी ऐसा ही पहना है. दिखाओ, हम दोनों ने बूटू पहना है क्योंकि हम दोनों को बूटू बहुत पसंद है. तो इसलिए हाँ, ये वाला, बस ये वाला पूरा चेक करना मोबाइल. हम दोनों को बूटू बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब एकदम बूटू का जो कैरेक्टर है वो हम लोगों से मैच होता है एग्जैक्टली. और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि घर में हम लोगों ने कुछ भी मतलब फनी किया होगा ऐसा कुछ और बूटू का वही वाला वीडियो आ जाता है. तो इट इज़ लाइक बुबूडूडू हम ही लोग हैं और हम ही लोग क्रिएट कर रहे हैं. तो आई रियली लव बुबूडूडू और मैंने ये ख़रीदा है एक इंस्टाग्राम स्टोर से. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप ले सकते हो. मटेरियल इज़ अमेजिंग, ये ज़ारा H&M से भी बेटर मटेरियल है. मुझे तो बहुत कम्फर्टेबल लगता है. अगर मुझे ग्राफिक टी शर्ट बनाना ही है तो मैं उन्हीं से बनाऊँगी. उनका नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या तो नीचे यहाँ पर मैंशन रहेगा, वहाँ से आप चेक कर लेना. आई रियली really love it and the fit is perfect. This one is small. मेरे हस्बैंड का जो है वो है मीडियम साइज़ में. सो यस. और मैंने आज ज़्यादा मेकअप नहीं किया, कोई मतलब नहीं बनता था तो मैंने बस पाउडर फाउंडेशन अप्लाई किया. एक्चुअली पाउडर फाउंडेशन अच्छा है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया था बट दिस टाइम आई एम यूजिंग इट एंड आई एम लाइकिंग इट. और थोड़ा सा ब्लश, क्योंकि यहाँ के सारे लोग बहुत ज़्यादा ब्लशी है, बहुत ज़्यादा ब्लश करते हैं वो लोग. और मैंने पिंक कलर का लिपस्टिक लगाया क्योंकि फ्रेश दिखना भी है. सो यस, दिस इज हाई लुक. और ये जो पैंट्स है ये मैंने दार्जिलिंग से लिया था, ये मैंने शो भी किया था आप लोगों को दार्जिलिंग वाले हॉल में. ये वही वाला पैंट है और मेरे पीछे है मेरे लिवाइस का बैग एंड दैट्स इट. चलो अभी निकलते हैं. ऊपर वो है अकबर फोर्ट. और हमारा हाउस बोट है वो वाला राइट देयर. मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना. अलविदा ना कहना. Thank you.
এই তো মুখে হাসি হাসি নিয়ে আসো দেখি নি ভাই টু ইরিটেটেড তুই তো ইরিটেটিং এটা আমার বর মাথা নিচু করে আসছে এই যে গালে আর্টিফিশিয়াল টোল নিয়ে চলে এসছে গ্রুপে নতুন অ্যাড এটা হচ্ছে বিনা কারণে এসছে ট্রিপে मिला है जहाँ पर ये नदी है बहुत ही सुंदर है बहुत सुंदर है बहुत तेज बह रही है यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं पिक्चर्स सभी लोग उतर चुके हैं रास्ते पे कहीं पे भी नहीं उतर पा रहे थे तो यहाँ पर चलते चलते बहुत सारी पिक्चर्स लेते हैं वैसे भी अम्ब्रेला तो साथ में है ही क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है गाइस Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we're यहाँ पे बजरगी बाजान का शूटिंग हुआ है इधर उन्होंने बॉर्डर बना दिया है यहाँ पे और शूटिंग वाला ही प्लेस है ना शूटिंग वाला ही प्लेस और अभी हम लोग जा रहे हैं अभी हम जाएंगे दो जिला पास उसके बाद आ जाएंगे जीरो पॉइंट
उसके बाद वार मेमोरियल, उसके बाद करके आज का हम लोग का प्लान। बाहर हो रहा है बहुत ज़्यादा बारिश, बारिश की वजह से नेचर बहुत ब्यूटीफुल है बट घूमने में मज़ा नहीं आ रहा है, वही एक बात है। हमेशा जहाँ भी जा रहे हैं हम लोगों को छतरी कैरी करना पड़ रहा है, तो ऐसे ही घूमने में नो इशू। सामने बहुत ज़्यादा जाम है, बहुत ज़्यादा यानी उसे बहुत सारी गाड़ियाँ है एक लाइन में चल रही है। क्योंकि रास्ते में जब भी हम जा रहे हैं ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो भैया ने बोला है हम लोग डायरेक्टली झूला पास की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर फिर से बारिश हुआ तो रास्ता ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो पहले उसी तरफ जाते हैं। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद और कोई इशू नहीं है, उसके बाद हम लोग सीधा गाड़ी की तरफ ईजिली जा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। सभी लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड है, एनर्जी किसी में भी नहीं है। बालतल पॉइंट है, वहाँ से जाते हैं लोग अंबरनाथ दर्शन करने के लिए, बाई हॉर्स लेते हैं, कोई बाई वॉक जाता है, पालकी भी जाता है, पालकी लेक भी जाता है। स्वेटर निकल चुका है क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, एज यू ऑल हैव सीन ऑलरेडी कि यहाँ पर कोहरा बहुत 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 ज़्यादा है। जगह बहुत ब्यूटीफुल, ठंड है बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसलिए मैंने जैकेट निकाल दिया जबकि हर कोई बहुत पहले से जैकेट पहना हुआ है। ठंड है इसलिए मैंने कॉफ़ी लिया, कॉफ़ी लेकर यहाँ से कैसे चढ़ूँ, कोशिश करते हैं। चलो
कुर्सी लेकर बैलेंस करना पड़ रहा है। तो मैं अभी इन भैया के साथ जा रही हूँ जीरो पॉइंट के पास। हो सके तो बाइक राइड करेंगे। एक्चुअली पापा मेरा देवर चला गया, मैं ऊपर में नहीं चढ़ सकती, वो जगह जाना इजी नहीं होगा, स्पेशली हाथों में कैमरा लेकर तो नॉट पॉसिबल। देखो आप एक बार, लग रहा है ना यहाँ पर राइड के बारे में भी पता करना है कितना करके है, बिकॉज आई हैव जीरो आइडिया अबाउट इट। वी विल सी। चलो कहाँ पर जाना है? टिकट देना है इसको। पापा और पापा आए क्या मेरा? चले गए। ये लोग छोड़ के चले गए, जस्ट सोचो साथ में है सब लोग, ये लोग पहले पहले चले गए। इट्स ओके, सब लोग मजा कर रहे हैं अपने अपनी तरह से। मुझे यहाँ पर एक पिक्चर लेना है अच्छा सा, अपने फ़ोन में अच्छा वाला पिक्चर क्लिक करना है। कल श्रीनगर में नहीं हो पाया था। So this ये इंस्टा का भी दिखाओ ना। वो इंस्टा है आपका? यूट्यूब पे आएगा? यस, ब्लॉगर हूँ। सो दिस हैंडसम इज माई राइड फॉर टुडे। और इनका इंस्टाग्राम पेज भी है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, फॉलो करो ऑब्वियसली। चलो अभी राइड करते हैं। कितना इजीली चल रहे हो यहाँ पे। ओ, रुक जाइए। ये भैया के लिए हेल्प कर रहे हैं मुझे। और ये गंदा लड़का मुझे छोड़ के आ गया। ये इसकी हाँ जी। रुकिए मैं थक गई। ये आदमी मेरा हस्बैंड मुझे इंसान नहीं समझता। मैं वहां से चल के आ रही हूँ, वहाँ से अभी यहाँ पर फिर से मैं ऊपर आई हूँ कि यहाँ पर एक प्रोफेशनल रील एडिटर है, रील मेकर है एक्चुअली, वो रील बना के दे रहा है फॉर 500 रुपीज़। इट्स अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि रील बनाना टफ है, एडिट करना भी टफ है। अगर अच्छा वाला बन जाए ना तो मैं तो मतलब कोई बात नहीं। तो मुझे मुश्किल हुई है ना वो मैं मान लूँगी, यार ठीक है अच्छा वीडियो आया है। चलो अभी ट्राई करते हैं। Thank you.
हम लोग रुके थे द्रास में, वहाँ से हम लोगों ने आइसक्रीम लिया, जैकेट पहना हुआ है, आइसक्रीम खा रहे हैं। सभी लोग आइसक्रीम को लेकर फाइट कर रहे हैं, इनकी किसी को मैंगो चाहिए, किसी को चॉकोबार चाहिए। मैं मैंगो नहीं खाती, आप सबको पता है, चॉकोबार अच्छा लग रहा है, पता है ठंड की जगह में ना आइसक्रीम लेते हैं तो ठंड नहीं लगती। तो अभी हम लोग है कारगिल वॉर म्यूजियम के सामने और यहाँ पर जाएंगे देखने के लिए। जगह बहुत थ्रिलिंग और बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट वाला जगह है, बट क्या बोलूँ, इमोशन समझा नहीं सकती अभी मैं। कारगिल वॉर म्यूजियम के अंदर एक्चुअली 26 तारीख को यहाँ पर कारगिल दिवस है, तो इसीलिए पिक्चर लेना एकदम से मना है, मतलब मना किया, रिस्ट्रिक्टेड प्लेस, रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है, तो आज के लिए यहाँ पर मना है। और यहाँ पर बहुत सारे रूल्स है जो गेट में ही आपको आर्मी वाले बता देंगे। वहाँ पर एक बोर्ड है, यहाँ पर एक कॉर्नर में बोर्ड है जहाँ पर आप लिख सकते हो, अगर आपको मतलब इंडियन आर्मी को अगर कुछ मैसेज देना है, मतलब व्हाटएवर आपको जो भी लिखना है वो लिखो, और वही जितना प्राउड फील करते हो वो कागज़ पे लिख के वहाँ पर आप चिपका दो। यही है यहाँ का भी जो है चल रहा है हम लोगों का। जय हिंद। चलो जय हिंद। हम लोग कारगिल वॉर म्यूजियम से निकल चुके हैं, अभी हम लोग कहाँ पर जाएंगे? कारगिल होटल की तरफ ना, अभी होटल की तरफ, अभी हम लोग जाएंगे होटल की तरफ सीधा। वॉर म्यूजियम के बारे में एक बात है कि वर्ड में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इमोशन वर्ड में एक्सप्रेस नहीं किया जाता। तो यहाँ से 50 किलोमीटर में हम लोगों का होटल, होटल जाएंगे, रेस्ट करेंगे, वहाँ पर गप्पे मारेंगे, मस्ती करेंगे, और क्या करना है, और कुछ नहीं। लंच करने पहाड़ों के बीच में, एकदम पहाड़ों के बीच में, हाँ आई लव द्रास, कितना अच्छा है। यहाँ पर ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं। का ना 99 का ना,
यहाँ पीछे ओके। तो ये वाला इन लोगों को मिला है कंस्ट्रक्शन के वक्त, ये पाकिस्तान का शेल है। सो दिस इज़ आवर रूम। यहाँ से एंट्री लेने के बाद यहाँ पर है बाथरूम, यहाँ पर है हमारा बेड, ये बेड के साइड में दो साइड टेबल्स है, फ़ोन है एक, और यहाँ पर है एक सोफ़ा कम बेड, पता नहीं क्यों है ये फिर भी ठीक है, पर यहाँ पर दो सोफ़ा है, आई डोंट नो वाई। बट यहाँ पर एक कॉफ़ी टेबल है विच इज़ ओके, एक बहुत अच्छा खासा टीवी है, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा वाला मिरर है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से रेडी हो सकती हूँ, बट मतलब मैं उतना मेकअप नहीं लगा रही हूँ इस वाले ट्रिप में, क्योंकि आई नो फॉर श्योर कि स्किन की हालत ख़राब होने वाली है। बट कल आई एम गोइंग टू वेयर मेकअप, बिकॉज कल मेरा बर्थडे है और इसीलिए कल थोड़ा बहुत मेकअप चलता है कल के लिए, तो इसलिए आई एम गोइंग टू डू मेकअप टुमारो। और आज अभी हम लोग ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रहेंगे, जल्दी से फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर घूमेंगे आसपास, उसके बाद वापस आ जाएंगे, डिनर करके सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह सुबह 7 बजे हम लोगों को निकलना है, विच इज़ इम्पॉसिबल। 7 बजे यहाँ पर कोई नहीं निकल सकता, आई नो दैट फॉर श्योर। बट ये क्या है ना, मैंने ड्राइवर वाले भैया को बोला है आप ना थोड़ा सा मतलब टाइम चेंज करके बताओ, आपको जो टाइम चाहिए 1 घंटा आगे बोलो, तो फिर क्या होगा हम लोग जल्दी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि आई नो फॉर श्योर जो टाइम बोलेंगे उसमें आधा घंटा लेट होगा, आधा घंटा से 1 घंटा लेट होगा, और भैया के पास हम लोग एकदम परफेक्ट टाइम में चले जाएंगे। दिस इज़ माई प्लान बाय द वे, और ये तो मैं तो मान लूँगी, बाकी लोगों के लिए क्योंकि हम लोग 9 जन है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली सबको मानना ज़रूरी है। और ये है हमारे रूम के बाहर से व्यू, और यहाँ पर हम सब लोग फाइट कर रहे हैं, हाँ हाँ, क्योंकि कल इन लोगों का फास्ट है। अभी हम लोग हैं कारगिल मार्केट में, लद्दाख समथिंग एंड बेकरी शॉप है, वहाँ से हम लोगों ने पेड़ को ओके अभी फोकस में है, वहाँ से हम लोगों ने ब्लैक फॉरेस्ट लिया, टेस्टलेस है, मुझे अच्छा नहीं लगा, टेस्टलेस। सब लोग अपनी मर्जी से घूम रहे हैं यहाँ पर, मार्केट शायद बंद हो गया है। यहाँ पर मार्केट कब बंद हो जाता है जी? मार्केट कब बंद हो जाता है? 10 बजे लगभग। 10 बजे ओके, तो 10 बजे तक मार्केट बंद हो जाता है, और मैं रैंडम लोगों के साथ बात कर सकती हूँ, मैं वैसे ही हूँ, मुझे दोस्ती करना पसंद है, इसलिए मैं रैंडम लोगों के साथ बात करती रहती हूँ, क्योंकि ये इंसान जो है ये दूसरी साइड में चल रहा है। ठीक है पुलिस साहब, ठीक है, मैं तो ये बोलूंगी व्हाई नॉट, तू ये ওই করছিস? আরে না আমি তো খুঁজতে গেছি। না না প্রুফ এটা যেটা আমার মাথায় থাকে যে হ্যাঁ আমি ইনকে বলেছি তোকে, তুই তো শুনছিস না।
आ गए हमारे रूम में रेस्ट लेने के लिए, और मुझे एक्चुअली वेट करना है क्योंकि 12 बजे मेरी मम्मी कॉल करने वाली है क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। यस, मैं बुढ़ी हो रही हूँ। ऑब्वियसली मैं बुढ़ी हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा बुढ़ी हो रही हूँ। अभी शायद दांत भी गिनने वाले हैं। जोक्स अपार्ट, मम्मी के लिए मुझे वेट करना है, मुझे छुटकू के लिए भी वेट करना है, वो भी विश करेगा इसलिए। और मेरी मम्मी एक्चुअली मेरी मासी के घर है अभी, तो वहाँ पर भी सब लोग मुझे विश करने वाले हैं, और शायद मेरी मासी सो जाएगी, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल। वो लोग बहुत जल्दी जल्दी सो जाते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है एक्चुअली, तो इसीलिए वो लोग जल्दी जल्दी सो जाते हैं। और मेरे जुम्बा क्लास के जो फ्रेंड्स हैं वो लोग भी कॉल करने वाले हैं, मैंने उनको बोला है कि 5-10 मिनट बाद कॉल करना क्योंकि मम्मी कॉल करेगी, तो इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ। और इसी वजह से मैं अभी ये वाला व्लॉग ख़त्म नहीं करूँगी, पहले सबको विश करने दो फिर करूँगी व्लॉग एंड। क्या कहना है? एकदम मेरे हस्बैंड का ये स्टाइल आपको कैसा लगा? हमेशा यही करता है, हमेशा, और कुछ नहीं आता उसको एकदम। और बस यही आता है उसको। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं अभी कारगिल में हूँ, ये जो होटल है अच्छा है, डिसेंट सा है, बट आई हैव टू से कि सर्विस थोड़ा सा लैक कर रहा है यहाँ का, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़ा है बेड के ऊपर, और हम लोगों ने बोला था कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा कीड़ा है तो आप लोग कुछ कीजिए, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, आप एक टावल लो और उससे साफ़ कर लो। मतलब एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते थे आप लोग, साफ़ करके दे सकते थे, बट इट्स ओके क्योंकि पूरे दिन में हम लोग जर्नी करके आए, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग लंच टाइम के पहले यहाँ पर पहुँच चुके थे, बस यहाँ पर 7:30 बजे तक हम लोग आ गए थे, और बस हम लोगों ने डिनर किया और कोई सर्विस हम लोगों ने लिया भी नहीं है, तो एटलीस्ट इतना तो वो लोग कर ही सकते थे। और सेकेंड जो बात है वो है कि चद्दर एक भी क्लीन नहीं है, तो हम लोगों को एक्स्ट्रा चद्दर लेना पड़ा, उसमें भी थोड़ा बहुत दाग है, बट अभी क्या कर सकते हैं, और एक चद्दर तो नहीं मांग सकते ना, तो जो दूसरा वाला हम लोगों ने लिया है वो एक के ऊपर एक लगा के अभी हम लोगों को सोना है, और कुछ भी नहीं कर सकते। आज हम लोगों ने कुछ भी शॉपिंग नहीं किया है। ओ नहीं, मैंने एक चीज़ शॉपिंग की है, जो चीज़ें हम लोगों ने ख़रीदा है वो ऑब्वियसली एक सेपरेट हॉल वीडियो में आएगा। मैं वाइज़ाग गई थी, वहाँ का भी मैंने एक सेपरेट हॉल वीडियो किया था, शॉपिंग हॉल वीडियो। जब मैं शांतिनिकेतन गई थी वहाँ का भी एक सेपरेट शॉपिंग हॉल वीडियो हुआ था, तो यहाँ का तो बनता ही है बॉस, ये कश्मीर है, यहाँ का तो बनता ही है। और जहाँ जहाँ पर जाएंगे, जो भी शॉप करेंगे, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शो यू इन अ सेपरेट वीडियो। सो भी गया ये, गुड नाइट बोल के सो भी गया, चश्मा पहन के सो गया। बहुत कीड़ा है और भी है? नहीं नहीं, वो ये बहुत सारा कीड़ा है, पूरा पेट छोटा छोटा है, बट है ठीक है। हम लोगों को लगा था यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होगा, वो नहीं है। कुछ भी नहीं, वो नहीं है, क्योंकि हम मैं जब भी जैकेट, जब मुझे ठंड बहुत लगता है ठीक है, अगर थोड़ा सा भी वेदर इधर से उधर हुआ मेरा हालत ख़राब हो जाता है, मुझे स्वेटर पहनना ही पड़ता है या तो जैकेट तो मुझे लेना ही पड़ता है। बट इस बार मैं मोस्टली टी शर्ट पहन के घूम रही थी, एक जगह पर मैंने जैकेट पहना पर उसका ज़रूरत नहीं था। मुझे वेदर बहुत पसंद आया है, मतलब ये वाला वेदर मैं टॉलरेट कर सकती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। सी, चलो फिर से करते हैं और एक बार टाइम। पूरे दिन में ये पहली बार मेरे से अच्छे से बात कर रहा है। मैं अच्छे से ही बात करता हूँ। नहीं करता है, नहीं करता है। व्लॉग में देखा है आपने? देखा है पूरे व्लॉग में? देखा है? नहीं देखा है ना। इसलिए क्योंकि कल मेरा बर्थडे है, कल मेरा बर्थडे है, मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, कल मेरा बर्थडे है और मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, डजंट रियली मैटर। আমার এই দিক থেকে ব্লগ চলছে, উইশ করলে সবাই আমি ব্লগ করবো, তাই থ্যাংক ইউ। ইয়ে রাহা ব্লগ, ব্লগ কো হাই বলো। তো মেরে জুম্বা ব্যাচ মে সে সভি লোগোঁ নে মুঝে উইশ কিয়া হে অভি অভি, উনহোনে মেসেজ মে উইশ কিয়া হে একচুয়ালি, অর উসকে সাথ সাথ মেরা দেবর জো হে ও আয়া থা উইশ করনে,
हस्बैंड ने भी विश कर दिया, देवर के बाद विश किया है भाई देवे, बट सबसे पहले मेरी जो सबसे छोटी बहन है उसने विश किया है मुझे, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर विशिंग मी। और शायद मेरी मम्मी सो गई है, और ये भी हो सकता है कि उनको नेटवर्क नहीं मिला होगा, तो मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बट उन्होंने अभी तक कॉल नहीं किया है, सुबह शायद कर लेगी। बट बिफोर दैट आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। कल मेरा बर्थडे है, और बर्थडे वाला व्लॉग जो नेक्स्ट वीक आने वाला है वो और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। आई पोस्ट वीडियोज एवरी संडे सुबह सुबह 9 बजे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट दैट बेल बटन सो यू विल बी नोटिफाइड वेन एवर आई एम गोइंग टू बी अपलोडिंग द न्यू वीडियो। आई अपलोड वीडियो एवरी संडे सुबह सुबह 9 बजे, एंड या आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में सारे के सारे पिक्चर्स अभी तक तो पोस्ट हो चुका होगा, सो प्लीज फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम हैंडल विल बी राइट अप हियर। या बाय गाइस।